भारत में हर साल हजारों लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इन आत्महत्याओं में एक बड़ा तबका युवाओं का है, जो आज हताश और निराश नजर आ रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चला है कि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा सबसे ज्यादा मौत को गले लगा रहे हैं। देश में आत्महत्याएं 2004 के 35% के आंकड़े से बढ़कर 2014 में 41% हो गई है। इन्हीं से पता चलता है कि देश में हर आयु वर्ग में आत्महत्या करने की दर वर्ष 2004 में प्रति 1 लाख आबादी पर 10.5 से बढ़कर 2014 में 10.6 हो गई है। हर 1 लाख भारतीय में 10 से 11 लोग लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। आत्महत्या करने वालों में किसानों के अलावा सबसे ज्यादा छात्र, युवा और महिलाएं शामिल हैं। साल 2004 में देश में हुई आत्महत्याओं में छात्रों का प्रतिशत 4.9 था, जो 2014 में बढ़कर 6.1% हो गया है। छात्रों के अलावा दूसरे वर्गों में भी ये इजाफा तो 2004 के 13% से बढ़कर 2014 में 31% पर पहुंच गया है। वैसे आत्महत्याएं हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर में बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो साल 1970 के बाद से आत्महत्या की दर में 60% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इसके तेजी से बढ़ने के पीछे अब तक केवल आर्थिक कारणों को ही जिम्मेदार माना जाता रहा है, लेकिन कई रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि युवाओं में इसकी बड़ी वजह स्कूल और परिवार का दबाव है। एजुकेशन हब होने के कारण यहाँ देश भर के छात्र छात्राएं शिक्षा लेने आते हैं और इसी वजह से यहाँ ऐसे प्रकरण ज्यादा सामने आ रहे हैं। इन आत्महत्याओं के बड़े कारण मानसिक दबाव, मानसिक रोग और पारिवारिक झगड़े लगते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये भी देखा गया है कि भारत में सुसाइड करने वाले युवा सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पर अपने आखिरी पलों का जिक्र करते हैं। वो शायद इन सोशल साइट्स का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि जो अपने दिल की बात वो दुनिया से कह नहीं सकते, वो बात फेसबुक और ट्विटर पर आसानी से लिख देते हैं। आखिरकार आज का युवा इतनी दुविधा में क्यों है? सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने भारत समेत दुनिया में अपना एक नया सुसाइड प्रिवेंशन टूल शुरू किया है। फेसबुक ने पिछले साल अमेरिका में फोरफ्रंट, लाइफलाइन और सेव ORG के साथ पार्टनरशिप में इस टूल को शुरू किया है। भारत में इस टूल को फेसबुक और आसरा और दीपिका पादुकोण के लिव लव लाइफ फाउंडेशन की साझेदारी से जारी किया गया है। इस टूल के बारे में फेसबुक का कहना है कि दुनिया भर में जहां भी फेसबुक उपलब्ध है, वहां इस सुसाइड प्रिवेंशन टूल को सभी भाषाओं में शुरू कर दिया गया है। भारत में ये टूल बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा में लॉन्च किया गया है। फेसबुक सुसाइड प्रिवेंशन टूल से यूजर एक्शन लेने के लिए एनेबल होंगे या फिर वो फेसबुक को उन पोस्ट के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं जो उन्हें सुसाइडल बिहेवियर को बढ़ावा देने वाली लगती है। यूजर या तो उन लोगों तक सीधे पहुंच सकते हैं जो इस बारे में चिंतित हैं या फिर फेसबुक को रिपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक के पास इसे रिव्यू करने वाली टीम भी है। इन सब में सेल्फ इंजरी को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पहले भारत में कंपनी ने नीड गाइड में हेल्प अ फ्रेंड भी पब्लिश किया है, जिसे सबसे पहले जेड फाउंडेशन और द क्लिंटन फाउंडेशन ने मिलकर बनाया था। बहरहाल ये एक अच्छी पहल है, जिससे अगर देश में बेवक्त होती मौतें थम सकती हैं, तो इससे अच्छा दूसरा कोई काम हो भी नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़।